दोस्तों आज बात करेंगे हम अदामा के प्रोडक्ट शकगांग के बारे में कि इसके अंदर कौन सा टेक्निकल होता है, कितनी मात्रा में होता है और इसका प्रयोग कौन कौन सी फसल पर किया जा सकता है और ये कौन कौन से कीड़ों को कंट्रोल करता है और कैसा करता है सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागर सिंह और आज आपको शकगांग के बारे में विस्तार से बताऊंगा। बताने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों ये जो शकगांग होता है इसमें होता है थाइमेथोक्साम 25% WG। तो दोस्तों ये जो थाइमेथोक्साम होता है ये बहुत ही असरकारक होता है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और ये कई प्रकार से कीड़ों को मारता है। तो दोस्तों ये जो छूने से भी मारता है और पेट में जाने से भी मारता है और दोस्तों इसका जो कंट्रोल है बहुत अच्छा होता है और लंबे समय तक इसका कंट्रोल रहता है। ये विभिन्न प्रकार की फसलों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जो रस चूसने वाले कीड़े हैं जैसे चैपा, माहू, वाइट फ्लाई, तेल्ला और एसिड जैसिड्स और ऐसे बहुत से कीड़े, उनको भी ये कंट्रोल करता है और इसका जो असर होता है काफ़ी अच्छा होता है और इसको जो आप बाज़ार में ले सकते हैं 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो में ये आसानी से मिल जाता है। और अब इसकी रेट की बात कर लेते हैं, जो इसका जो रेट है वो 1 किलो का आपको 1000 से 1200 में आसानी से मिल जाता है। और दोस्तों इसका जो असर है वो काफ़ी अच्छा है। और अब इसकी मात्रा यानी डोज की बात कर लेते हैं। दोस्तों इसकी जो डोज है, जो हमारी जो 15-16 लीटर की जो टंकी आती है उसमें 10 ग्राम पर्याप्त होता है, यानी कि जो 100 ग्राम ये थाइमेथोक्साम होता है ये 150 लीटर पानी में पर्याप्त होता है। और दोस्तों जिन फसलों पर प्रयोग ज़्यादा किया जाता है यानी कई कई बार दवाई प्रयोग की जाती हैं उन पर इसकी मात्रा जो 100 ग्राम में मात्रा है उसको आप 200 लीटर पानी में प्रयोग करके आसानी से अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार इसका प्रयोग करके आप कम कीमत में ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, यानी कि कीड़ों को अच्छी प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया ये प्रोडक्ट है और इसका जो प्रयोग है विभिन्न फसलों में किया जा सकता है, चाहे वो अनाज वाली फसल हो जैसे गेहूँ, धान और बहुत सी फसलें हैं, या फिर सब्जी वाली फसल हैं बैंगन, भिंडी या फिर आपकी जो कपास वाली फसल होती है इसमें भी बहुत चैपा और भुनगा और हॉपर आते हैं उसमें भी इसका अच्छा प्रयोग है। तो आप विभिन्न फसलों पर इसका प्रयोग करके लाभ कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए।